राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के अध्यक्ष ने कॉम्प्लेक्स की समस्याओं को अवगत कराते हुए जल जमाव, नाली मरम्मत एवं कॉम्प्लेक्स में स्ट्रीट लाइट संबंधी समस्याओं को बताया। इस मौके पर नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने जल जमाव से मुक्ति के लिए नालों की तल्ली झाड़ सफाई के साथ नाली मरम्मत करवाने और स्ट्रीट लाइट हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के अध्यक्ष हनुमान सिंह बघेल, संयोजक विनोद प्रताप, गोविंद राव, कोषाध्यक्ष सूरज गुप्ता एवं व्यापारी अलाउद्दीन खा, दयाशंकर गुप्ता, प्रशांत त्रिपाठी, राजेश निगम, प्रदीप कुमार दत्ता, सुनील गुप्ता, केशव वर्मा, शंभु मौर्य सहित कॉम्प्लेक्स के अन्य व्यापारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, उसमें
आज हम लोग यहाँ पर जो हमारा राप्ती कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर आए हुए हैं। वहाँ पर काफ़ी वाटर लॉगिंग की जो समस्या आ रही है उस समस्या को दूर करने के लिए हम लोगों ने जो हमारे मुख्य अभियंता साहब हैं, अपर नगर आयुक्त हैं और जो हनुमान सिंह बघेल जी हैं और पूरे हमारे जो सम्मानित दुकानदार हैं वो सभी लोगों के साथ यहाँ पर भ्रमण किया गया और पाया गया कि जो आप लोगों ने पूरा कॉम्प्लेक्स चारों तरफ नाली बनी हुई है उस नाली के थ्रू जो पानी इकट्ठा होता है तो एक फॉर्मवेल में जाता है और वहाँ से पंप लगा के ड्रेन आउट करके मेन नाली में डाला जाता है। तो यहाँ पे देखने में आया कि कई जगहों पर जो है इसमें इंक्रोचमेंट हो गया है और जो कहते हैं तली झाड़ सफाई ठीक से नहीं हुई है ऐसा प्रतीत हो रहा है। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जो सैटरडे और संडे लॉकडाउन में क्योंकि मार्केट में तो आवाजाही बंद रहेगी और सड़कों पर भीड़ कम रहेगी तो पूरी जो टीम लगाकर और 100 से ऊपर आदमी लगाकर इस पूरे 1 किलोमीटर का पैच जो है इसमें हम लोग इसको 4 सेक्टर में बांट देंगे 250-250 मीटर में और इसको पूरी तरह झाड़ सफाई करा देंगे जिससे कि पानी जो बैकफ्लो वाली समस्या है वो ना है, पानी आराम से इजली निकल जाए और मार्केट के सभी लोगों को वाटर लॉगिंग की जो समस्या है उसे निजात मिल सके। अभी एक जो बघेल साहब ने और जो हमारे राप्ती कॉम्प्लेक्स से जो हमारे सहयोगी शॉपकीपर्स हैं दुकानदार हैं उनका एक अनुरोध और भी कि जो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगी हुई है वहाँ पर खंभों में स्ट्रीट लाइट लगाने के साथ उसको दो दो लगाई जाए, मतलब दोनों तरफ उनका मुंह है जिससे कि रात के समय जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में लोग आती हैं हमारी माताएं बहनें आती हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और लॉ एंड ऑर्डर के लिए या उस तरह के अराजक तत्वों को भी कोई मौका ना मिलने पाए। तो निश्चित रूप से इसकी जो इनकी आपकी मांग है इसको पूरा कराया जाएगा।